नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल राजेंद्र लॉ ऑफिस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी अभियुक्त की या आरोपी की किसी मामले में कोर्ट से जमानत करवा देता है और फिर उसे बाद में ऐसा लगता है कि उसने किसी गलत व्यक्ति की जमानत दे दी या वह इस प्रकार का व्यक्ति है जो कोर्ट द्वारा जमानत के लिए जो टर्म एंड कंडीशन लगाई गई है उसकी पालना नहीं कर रहा है और जमानती को आगे किसी कानूनी कार्रवाई का सामना उस व्यक्ति की बदौलत करना पड़ सकता है और वह उस केस से या उस व्यक्ति की या अभियुक्त की या आरोपी की जो अपनी जमानत दी है उसे वापस लेना चाहता है। तो इसका क्या प्रक्रिया है और क्या तरीका है, कैसे अपनी जमानत वापस ले, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी बहुत काम की है और उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी की जमानत दे चुके हैं और यह सोच रहे हैं कि उन्होंने जमानत देकर कहीं गलती कर दी है और वह इस गलती को सुधारना चाहते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो में बताई जाने वाली जानकारी स्किप करने से आपकी समझ में नहीं आएगी और ज्ञान अधूरा रह जाएगा और वीडियो देखने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो ऐसी ही कानून से संबंधित जानकारियों से युक्त अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अब जान लेते हैं किस प्रकार से या किस तरीके से जमानत वापस ली जा सकती है। तो सबसे पहले तो जब एक अभियुक्त की जमानत करवा दी जाती है और बाद में यह आभास हो कि गलत व्यक्ति की जमानत करवा दी गई है या वह व्यक्ति आपकी बातों को नहीं मान रहा है और कोर्ट द्वारा किए गए आदेशों की अवहेलना कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो भी अदालत द्वारा अगली तारीख निश्चित की गई है उस केस से संबंधित सुनवाई के लिए उस दिन आपको हर हालात में उस व्यक्ति को जिसकी जमानत हुई है उसे कोर्ट के सामने पेश करना है और ऐसे व्यक्ति को या अभियुक्त को या जिसकी जमानत हुई है उसे कोर्ट के सामने पेश करते वक्त या करते समय एक दरख्वास्त लिखी जानी चाहिए माननीय अदालत को संबोधित करते हुए कि मैंने FIR नंबर का नाम लिखते हुए कि इस FIR नंबर में इस मुकदमा में इस अभियुक्त की जमानत दी हुई है और मैं अब अपनी जमानत वापस लेना चाहता हूं। मैं इस अभियुक्त की आगे गारंटी नहीं दे सकता। आज मैंने अदालत द्वारा आदेश की गई तारीख को अभियुक्त को पेश कर दिया है और अभियुक्त को कस्टडी में ले लिया जाए और मेरी जमानत के कागजात वापस कर दिए जाए और मुझे जमानती के तौर से मुक्त कर दिया जाए। इस प्रकार से जैसे ही आपकी दरखास्त माननीय अदालत को दी जाती है, अदालत उस व्यक्ति को जिसकी जमानत आपने दी है गिरफ्तार कर लेता है और यदि उस व्यक्ति द्वारा कोई नया जमानती या बेल बॉन्ड पेश नहीं किया जाता है तो उसे जुडिशियल कस्टडी या जिसे कहें कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है और जिस व्यक्ति ने जमानत वापस लेने के लिए आवेदन किया है उसे उसके फर्ज से या उसके जमानती के तौर से मुक्त कर दिया जाता है और उसके द्वारा जो भी दस्तावेज कोर्ट में बतौर जमानती दिए गए थे वो उसे वापस दे दिया जाता है और इसके बाद उस व्यक्ति की उस आरोपी के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम
किसी व्यक्ति की जमानत यदि हमारे द्वारा दे दी गई है और उसे हम वापस लेना चाहते हैं तो क्या कार्रवाई हमें करनी है। उम्मीद है वीडियो में बताई गई बात जरूर आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि किसी मामले में ऐसी परिस्थिति आपके सामने उपस्थित हो जाए तो आप कैसे उससे बच सकते हैं या अपने द्वारा दी गई जमानत वापस ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसी ही किसी और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।